तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड डेफिनेशन मोनोइड। आपने फर्स्ट लाइन हर एक केस में, चाहे ग्रुपोइड हो चाहे सैनी ग्रुप हो, मोनोइड, आपने फर्स्ट लाइन सेम लिखनी है। ए नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई सेट है जी, जी कोई सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी मोनोइड। उसको मोनोइड हम तभी कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। थर्ड, इस केस में थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर पड़ी हुई है, अगर कोई सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सिर्फ अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या कहते थे, ग्रुपोइड, कल पढ़ा था हमने। और अगर कोई सेट दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, फर्स्ट क्लोजर सेकंड एसोसिएटिव, तो उसको हम क्या कहते थे, सेमी ग्रुप। और अगर कोई सेट जी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तीनों की तीनों, तो उसको हम कहेंगे मोनोइड। आपने प्रॉपर्टीज एज इट इज लर्न करनी है, फर्स्ट क्लोजर सिर्फ क्लोजर सेटिस्फाई करे ग्रुपोइड, फर्स्ट टू सेटिस्फाई करे तो सेमी ग्रुप, फर्स्ट थ्री सेटिस्फाई करे तो मोनोइड। तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो मैंने कल बता दी थी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो नई है इस बार। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इसमें लिखा है एक ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हेयर ई, जो ई है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। मींस एक ऐसा एलिमेंट ई होगा जिसको अगर हम ए से उसका बाइनरी ऑपरेशन करें तो वो एज इट इज ए ही रहेगा। तो अब मैंने कल बताया था जो स्टार होता है या तो वो मल्टीप्लीकेशन होगी या तो वो एडिशन होगी। अब एडिशन के केस में कैसा बन जाएगा, ए प्लस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ए, और मल्टीप्लीकेशन केस में ए इंटू ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई इंटू ई। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है अगर हम किसी को उसमें ऐड करें तो वो नंबर एज इट इज रह जाता है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम उसे किसी भी नंबर से ऐड करें तो नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो ई दैट इज जीरो, जीरो ही है ना, ई इज जीरो। अगर हम ए प्लस जीरो इज ए प्लस जीरो को ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए, इट मीन्स एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किससे भी मल्टीप्लाई करें नंबर एज इट इज आ जाएगा। ऑब्वियस है वन, क्योंकि ए इंटू वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए। सो देयर फोर मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लीकेशन केस में वन, एडिशन के केस में सिर्फ, मीन्स जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी और वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई ग्रुप, कोई सेट जी है, उसके अंदर जीरो या वन में से कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही जीरो है ना ही वन है, तो वो मोनोइड नहीं हो सकता। मोनोइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है, फर्स्ट टू सेटिस्फाई होगी, थर्ड कंडीशन आपने याद रखनी है वन या जीरो। मल्टी अगर किसी को
को हमने मोनोइड बताना है, उसके लिए उसके अंदर वन या जीरो में से कोई ना कोई होना चाहिए, या वन हो या जीरो, अगर दोनों हो तब भी। पर अगर बाई चांस दोनों में से कोई नहीं है, मान लो कोई सेट जी है उसके अंदर ना ही वन है ना ही जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो वो मोनोइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट या तो वन होगा या जीरो होगा। अगर ना ही किसी सेट में जीरो है ना ही वन है, तो वो मोनोइड पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन मोनोइड होने के लिए जीरो होगा या वन, उसकी भी कंडीशन है। अगर जीरो हुआ तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में मोनोइड होगा। अगर वन है तो वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, पर हो सकता है क्या पता वन होने के बाद भी ना हो। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर की बात करें। अब नेचुरल नंबर हमने आज से पहले तक पढ़ा था कि वो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो करता है। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर का सेट होगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इट इज क्लियर डैट इसके अंदर जीरो डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयर फोर ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर नेचुरल नंबर इज नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर मोनोइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जीरो ही नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो है ही नहीं, तो फिर जो वो वाली प्रॉपर्टी थी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच डैट ए प्लस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस है सेटिस्फाई होगी ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है वो जीरो तो है ही नहीं, जीरो होना चाहिए ना, ई विल बी जीरो ना, पर जीरो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, दैट मीन नेचुरल नंबर मोनोइड तो है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन की बात करें, अब देखो नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने कल पढ़ा था, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये देखते हैं, सिंस इक्वल टू वन विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स वन नेचुरल नंबर में है, जो तो कि मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ए इंटू वन, क्योंकि किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज रहता है। इट मीन्स एन मोनोइड है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, सो देयरफॉर इस केस में इक्वल टू वन बी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो ए लिया हमने 5, तो 5 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू यही ना, यही तो है 5 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू 5 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू 5। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 इंटू। इट मीन्स जो एन एन इज मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन केस में मोनोइड है, क्योंकि वन एग्जिस्ट कर रहा है, एडिशन केस में मोनोइड नहीं। सो ये रही मोनोइड, हमारा मोनोइड क्या होता है, मोनोइड वो होता है कोई सेट जी है बाइनरी स्टार, उसको मोनोइड हम तभी कहेंगे जब वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर भी दो केसेस बन जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के केस में आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लीकेशन केस में आइडेंटिटी वन है। सो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर कोई सेट जी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको मोनोइड कहेंगे।